आज हमारे पास है सैमसंग का J5 मोबाइल, और इसमें आप लोग देख सकते हैं ये FRP लॉक लगा हुआ है। और मैं आप लोगों को बताऊँ किस तरह से आप इसको रिमूव कर सकते हैं, और आसान तरीका है। और आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और आराम से इसको बाईपास कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ये FRP अनलॉक हो जाएगा। और सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना है ताकि हर वीडियो आप लोगों के पास हमेशा पहुँचती रहे। तो हम आपको दिखाते हैं किस तरह से इसको क्या क्या करना है, और इसके लिए आपको कम्बिनेशन फाइल और फ्लैश फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा। और ये जो तरीका है ये हमेशा काम करता है, चाहे जितनी बार अपडेट आए कंपनी से कोई दिक्कत नहीं होती, ये तरीका जो है हमेशा काम करता है। और 100% इस तरीके से मोबाइल, ये सैमसंग का J5 J500F है, और ये अनलॉक हो जाएगा 100%, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे हम ओडिन का यूज़ करेंगे फ्लैश करने के लिए, और ओडिन हम कर लेंगे ओपन। और ओडिन को ओपन करने के बाद हम इसमें पहले हम कम्बिनेशन फाइल से फ्लैश करेंगे। और फाइल आपको अपने मोबाइल में जो फ्लैश फाइल पड़ी हुई है उसके बाइनरी के हिसाब से आप उसको मिला के डाउनलोड कर लीजिए, और गूगल पे आपको सारी फाइलें मिल जाएंगी, जो भी आपके मोबाइल की बाइनरी हो उस हिसाब से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, और उसके बाद उसका आप यूज़ कर सकते हैं। और बाइनरी सीधा मैच अगर नहीं करेगी बाइनरी, तो मोबाइल आपका फ्लैश नहीं होगा, क्योंकि ये FRP लॉक कंडीशन में बाइनरी मैच करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसमें सेलेक्ट कर लेंगे कम्बिनेशन फाइल, और कम्बिनेशन फाइल AP में हमें सेलेक्ट करना है। AP पे हम टिक करके कम्बिनेशन फाइल सेलेक्ट कर लेंगे अपनी, और यहाँ पे हम जो जो हमारे पास मोबाइल है U1 की बाइनरी का है ये। और उसके बाद फिर थोड़ा सा वेट करेंगे इस फाइल के ऐड होने तक, और उसके बाद जब ऐड हो जाएगा तो उसके बाद हम मोबाइल डाउनलोड मोड पे कनेक्ट करेंगे। और मोबाइल को डाउनलोड मोड पे ले जाने के लिए मोबाइल को पहले ऑफ करना है, और उसके बाद होम की वॉल्यूम डाउन और पावर के साथ में दबाना है। उसके बाद एक ऑप्शन आएगा, वॉल्यूम अप प्रेस कर देंगे, डाउनलोड मोड पे चला जाएगा। उसके बाद जब कनेक्ट करेंगे मोबाइल डाउनलोड मोड पे, तो यहाँ से इस तरह से आपको काम दिखाएगा, और मतलब ये कनेक्ट हो चुका है। और जब ये यहाँ पे दिखाने लगे, एडिट का ऑप्शन यहाँ पे मैसेज आ जाएगा, उसके बाद हम कर देंगे यहाँ से स्टार्ट। और स्टार्ट करने के बाद ये कम्बिनेशन फाइल हमारे मोबाइल में फ्लैश होना स्टार्ट हो जाएगी, और थोड़ी देर वेट करना है। थोड़ी देर वेट करने के बाद कम्बिनेशन फाइल इसमें इंस्टॉल हो जाएगी, और उसके बाद कम्बिनेशन फाइल इंस्टॉल होने के बाद फिर आपको बताते हैं कि आगे आपको क्या करना है और क्या क्या आगे इसमें करने की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हमें वेट करना है इस फाइल के पूरी तरह से फ्लैश होने का, और ये फाइल डालने के बाद मोबाइल हमारा पूरी तरह से ऑन हो जाएगा, और ये FRP वगैरह वहाँ पर कुछ नहीं बताएगा। लेकिन उसके लिए हमें दोबारा से फ्लैश फाइल से इसको फ्लैश करना पड़ता है कम्बिनेशन के बाद। और कम्बिनेशन डालने के बाद हम पहले FRP अनलॉक करेंगे, उसके बाद हम इसमें फ्लैश फाइल डाल देंगे फिर से, जो कि मतलब फ्लैश फाइल होती है कम्बिनेशन, उसके बाद कम्बिनेशन फाइल वहाँ से इरेज होके ये हमारी फ्लैश फाइल उस पर ऐड हो जाएगी, और मोबाइल हमारा फिर से पहले जैसा काम करने लगेगा। और ये हमारा मोबाइल फ्लैश हो गया, इस तरह से रीसेट और पास का ऑप्शन आ जाएगा, तो उसके बाद मोबाइल आपका रिस्टार्ट हो जाएगा। रिस्टार्ट होने के बाद कुछ देर आपको वेट करना है मोबाइल पूरी तरह से ऑन होने का। और मोबाइल पूरा ऑन हो जाने के बाद हम कनेक्ट कर लेंगे मोबाइल को ADB मोड पे, और यहाँ पे हम एंड्रॉयड में ADB एक्स्ट्रा पे जाके सैमसंग FRP रीसेट पे क्लिक करके हम कर देंगे सिंपली स्टार्ट, और उसके बाद मोबाइल हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। क्योंकि कम्बिनेशन फाइल डालने के बाद इसमें जो ADB मोड होता है वो ऑन हो जाता है, अगर नहीं होता है तो आप डायरेक्ट सेटिंग से जाके ऑन कर सकते हैं। और जब ये यहाँ से FRP रिमूव हो जाएगा, उसके बाद मोबाइल आपका फिर से रिबूट हो जाएगा, रिस्टार्ट हो जाएगा मोबाइल, और उसके बाद आपको ये मोबाइल इस तरह से दिखाई देगा। और अगर आपको ADB ऑन करना है तो यहाँ सेटिंग में जाइए, और यहाँ बिल्ड नंबर पे 7 बार क्लिक करेंगे तो डेवलपर मोड ऑन होगा। और डेवलपर में आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पे पहले से USB डिबगिंग ऑन है, और अगर ऑन नहीं होगी तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं, और ऑन करने के बाद आप उसको कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी आपका मोबाइल नहीं होता है, तो आप लोग जो यहाँ पे मेन्यू की जो हमने ओपन किया, वहाँ पे बगल में एक ऑप्शन मिलता है
कीपैड वाला, वहाँ से स्टार है 0808 हैश करेंगे तो ADB वाले पे टिक करके मोबाइल को रिबूट कर देंगे। और उसके बाद मोबाइल को हम मिरेकल से FRP रीसेट करने के बाद हम इसको अंदर से सेटिंग से जाके हम इसको रीसेट कर देंगे, हार्ड रीसेट मार देंगे। और उसके बाद मोबाइल हमारा जब ऑन होगा फिर से हम डाउनलोड मोड पे यानी ओडिन मोड पे ले जाएंगे। और ओडिन मोड पे ले जाने के बाद दोबारा से हम मोबाइल को फ्लैश करेंगे फ्लैश फाइल से। और इसके लिए हम यहाँ पे ओडिन ओपन कर लेते हैं, और ओपन करने के बाद हम AP में सेलेक्ट कर लेंगे अपनी AP वाली फाइल। यहाँ पे आप 4 फाइल भी यूज़ कर सकते हैं, सिंगल फाइल भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हम यहाँ पे सिंगल फाइल का यूज़ कर रहे हैं, और इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद थोड़ी देर आपको वेट करना है जब तक ये मोबाइल इसमें ऐड ना हो जाए, जब तक ये फाइल पूरी तरह से इसमें ऐड ना हो जाए। और फाइल ऐड होने के बाद मोबाइल हम डाउनलोड मोड पे कनेक्ट करके स्टार्ट कर देंगे, और उसके बाद थोड़ी देर में हमारा मोबाइल फ्लैश हो जाएगा। और फ्लैश होने के बाद मोबाइल हमारा रिबूट होगा, और थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा ऑन होने में, और उसके बाद ऑन होने के बाद हमारे मोबाइल की FRP फट चुकी होगी और मोबाइल आपका पूरा ऑन हो जाएगा और आप उसे पूरी तरह से यूज कर सकते हैं।